देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। एक तरफ जहां किसान दिवस पर किसानों को शुभकामनाएं व बधाई दी जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर किसान खुद का माल वापस प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है भोपालगढ़ थाना के कादेरी गांव से। जानबूझकर माल हड़पने व धोखाधड़ी करने का मामला भोपालगढ़ थाने में दर्ज हुआ है। पीड़ित किसान रामूराम पुत्र मोतीराम जाति माली निवासी गादेरी ने पेश होकर के रिपोर्ट दी है कि उनका कृषि फार्म गादेरी तहसील भोपालगढ़ में आया हुआ है। उस पर फसल की उपज होती है तथा आसपास के किसानों से वो फसल खरीदकर मंडियों में बेचकर अपना जीवन कार्य चलाता है। चौधरी गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रक में 7 लाख का माल उन्होंने टोटल भरवाया था। 10 जुलाई 2020 की बात है जब चौधरी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के त्योरी के मालिक हुक्माराम पुत्र मूलाराम निवासी कोतवाली बैंसेर जिला जोधपुर के रहने वाले के संपर्क में ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से गाड़ी भेजने का आह्वान किया गया। ट्रांसपोर्ट मालिक द्वारा गाड़ी संख्या RJ04GB4418 जिसका चालक चौतरा राम था, चालक द्वारा वाहन में उनके कृषि फॉर्म से जो है गाड़ी पूरी लोड करवाई गई। 11 जुलाई को गाड़ी वहां से रवाना हो गई थी। गाड़ी में क्या क्या माल भरवाया इसकी लिस्ट इस प्रकार से है। कृषि फॉर्म में 10 जुलाई 2020 को 2,59,500 किलो प्याज यानी कि लगभग 519 कट्टे जिनकी कीमत 4,39,600 रुपये व 2,800 किलो लहसुन जिनकी कीमत है 2,52,000 रुपये व 60 किलोग्राम जीरा जिसकी कीमत 8,400 रुपये है, ये माल पूरी तरीके से उस गाड़ी में लोड करवाया गया था। उस गाड़ी में गुमाराम पुत्र सादुल राम प्रजापत व जगदीश पुत्र कानाराम दोनों निवासी गांव गादेरी व संतोष पुत्र धनाराम निवासी पालड़ी ये थे। रामूराम द्वारा माल अगरतला त्रिपुरा भेजने के लिए 10 जुलाई को ड्राइवर चतुराराम को गाड़ी लोड करवाकर रवाना की। 7 दिन में गाड़ी त्रिपुरा पहुंचती थी लेकिन समय पर गाड़ी त्रिपुरा नहीं पहुंची और नहीं पहुंचने पर रामूराम द्वारा ड्राइवर को फ़ोन किया तो ड्राइवर संपर्क साधने पर 2 बार तो ड्राइवर से बात हुई, उसके बाद बात नहीं हुई। इस उपरांत उन्होंने ट्रांसपोर्ट मालिक से बात की लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। माल नहीं पहुंचने पर त्रिपुरा की पार्टियों को फ़ोन पर मेरे पास उनके पास फ़ोन आए और ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा माल उचित स्थान पर नहीं पहुंचने पर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने दोबारा बात की लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। यानी कि साफ तौर पर ड्राइवर ने यहाँ से माल लोड करने के बाद अगरतला समय पर नहीं पहुँचाया, इसकी वजह से उन्होंने पूरे माल को पूरी तरीके से गायब करने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन जहां किसान दूसरी ओर किसानों की बात को लेकर के बधाई व शुभकामनाएं के पात्र हैं, वहीं एक किसान का माल पूरी तरीके से लूट लिया गया है। मैं रामूराम देवड़ा गांव कादेरी तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर का रहने वाला हूँ। मैं एक खुद किसान हूँ और आसपास के किसानों का भी माल खरीद करके बाहर भेजता हूँ, मंडियों में बाहर भेजता हूँ। मैंने 10 जुलाई 2020 को त्योरी ट्रांसपोर्ट कंपनी चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी है उससे संपर्क, उसके मालिक से संपर्क किया, नाम है उसका हुक्माराम है। तो हमने अगरतला की गाड़ी मंगवाई, 10 तारीख को गाड़ी यहाँ 12 बजे पहुँची तो हमने माल लोड करना शुरू किया। बरसात आने के कारण गाड़ी आधी गाड़ी लोड हो सकी, फिर दूसरे दिन हमने 12 बजे गाड़ी ट्रक लोड करके यहाँ से रवाना किया जिसमें 25 टन प्याज, 3 टन लहसुन और कुछ जीरा था जिसकी कीमत लगभग 8-9 लाख थी। गाड़ी 7 दिन में अगरतला पहुंच रही थी लेकिन पहुंच सही सलामत नहीं पहुंची, तो फिर हमने गाड़ी ड्राइवर से जिसका गाड़ी नंबर है RJ19GB4418 उसके मालिक चुतराराम है उससे संपर्क किया जो खुद ड्राइवर था, तो उससे संपर्क किया तो उसने उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो हमने ट्रांसपोर्ट मालिक हुक्माराम से बात की तो हुक्माराम ने कहा आपका माल सही सलामत पहुंच जाएगा लेकिन पहुंचा नहीं। फिर उसने कहा हम इसके माल के पैसों की भरपाई कर देंगे लेकिन आज तक मेरे को कोई भरपाई नहीं करी। ये जो धोखाधड़ी हुई है पूर्व नियोजित योजना और सोच समझ कर की गई है, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित किसान रामूराम को न्याय मिलना चाहिए। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर।